बोकारो स्वास्थ्य विभाग ने तीसरे वेब में बच्चों में संक्रमण का खतरा अधिक होने के अलर्ट पर बोकारो सदर अस्पताल में पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि अस्पताल में 10 आईसीयू और 10 पोस्ट कोविड पीडियाट्रिक्स वार्ड बनाया जा रहा है, जिसकी तैयारी 2-3 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। वहीं गाइडलाइंस के मुताबिक पैरामेडिकल कर्मियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था की गई है। इस बाबत बोकारो सदर अस्पताल में पीडियाट्रिक्स आईसीयू में 10 वेंटिलेटेड सपोर्टेड बेड लगाया जा चुका है, जहां बच्चों के परिजनों के रहने के लिए खास व्यवस्था की जा रही है, ताकि बच्चों को पूरी तरह से घर का माहौल मिले। वहीं इस संबंध में बोकारो सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर एनपी सिंह ने क्या कहा, आइए देखते हैं। एक आईसीयू दोनों के कार्य में जिस तरह से गाइडलाइन बोलता है वैसा तैयारी किया जा रहा है। पेडियाट्रिक वार्ड में सभी तरह से जो भी कर्टेन है, ये है, बेड है, सब चीज लगा दिया गया है कि जिस समय भी थर्ड पी की का कोई भी पेशेंट बच्चा आए तो हमको उसको ससमय इलाज करें। साथ में पेडियाट्रिक आईसीयू जो है वो पूर्ण रूप से 3 दिनों में तैयार हो जाएगा। उसमें वेंटिलेटर से लेकर के बच्चों को रखने से लेकर के बच्चों के अटेंडेंट जो माँ रहेंगी उनकी भी व्यवस्था की गई है। किसी तरह का कोई उनको असावधानी ना हो, दिक्कत ना हो, इसकी व्यवस्था की गई है। साथ में जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ एवं डॉक्टरों को ट्रेनिंग देना है कोविड पेडियाट्रिक के लिए, वो भी हम लोगों ने सुनिश्चित कर लिया है। उनका ऑनलाइन ट्रेनिंग कल से शुरू किया जाएगा, जो 3 दिनों में सरकार जो बोली है कि 31 के बाद कभी भी ये वेव आ सकता है, तो हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं किसी भी तरह का कोविड पेडियाट्रिक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए या थर्ड पीक की जो आशंका है उससे कंपेयर करने के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।